अभी एक माताजी हमारे पास में आए थे 85 के, 85 इयर्स आए। जरा बहन जी ये देखो ना, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। मैंने कहा माता जी क्या करना है व्हाट्सएप चालू करके? नहीं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है उसके अंदर, आपको क्या मालूम, बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर आती है, रोज उसको पढ़ते हैं। मैंने कहा ये पढ़ते हैं फिर आप योग भी कर सकते हैं कि नहीं? बस यही प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो जब भी वो उसका बचता है ना, नोटिफिकेशन बचता है कि योग कर रही होती हूँ और नोटिफिकेशन बजा, तो योग टूट जाता है और आता है देख लूँ मैं क्या आया है ना। अरे माता जी 85 के हो गया, अब तो ये व्हाट्सएप को क्या करना है आपको? नहीं नहीं, बोले अभी अभी थोड़ा पैसा डाल करके उसको चालू करना है। बीच में बंद किया थोड़ा दिन, बोले क्योंकि मेरा योग नहीं लग रहा था इसलिए बंद कर दिया, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि नहीं फिर से चालू करूं, बाबा की अच्छी अच्छी ज्ञान युक्त तो बात कुछ खजाने मिलते रहते हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है ना। और बिजी लगी हुई है उसी में व्हाट्सएप में 85 इयर्स की उम्र में, है ना। ये देखो, इसीलिए कहा कि एडिक्शन जिसको कहा जाए कि अगर छोड़ा बीच में दो महीना, उसने पैसा नहीं डाला कि भाई ये चीज मेरा योग लगने नहीं, रियलाइजेशन हुआ उसको योग लगने नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर चालू किया दो महीने के बाद उसने, क्योंकि उसके बिना परेशान हो गई। अब आप सोचो कि क्या होता है ना। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि कलयुग की ये जो माया है ना, ये माया कईयों की अवस्था को चढ़ाने के बजाय गिरा रही है, और जब ये अवस्था को गिराती है महसूस भी नहीं होता है। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगते लगते उसकी आदत ऐसी हो गई। तो जब उस माताजी की पोती साथ में आई थी तो उसने उसको कहा जरा देख तुम इसमें क्यों मेरा बंद पड़ गया, क्या हुआ इसमें। तो मैंने उसकी पोती को पूछा तेरी दादी को सब कुछ आता है? अरे बोले मेरी दादी जो है ना मॉडर्न दादी है, जो चीज मेरे को नहीं आती ना वो भी उसको आती है और मेरे को बताती है, वो यहाँ है वहां है, मॉडर्न दादी है मेरी, बोले। मैंने कहा अच्छी बात है, तो ये आज दादियों की हालत है। हाँ, मॉडर्न माया है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने संग दोष से संभाल करो, ये संग ऐसा है। और बाबा ने जब ये मैसेज में भी दादी गुलजार ने इशारा दिया कि इस खिलौने से अपने आप को परहेज करना आवश्यक है, इसीलिए कहा कि अपने आप को कुछ समय के लिए भी देखो कि हम कितना समय उसकी परहेज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर खाली एक घंटा फिक्स रखो, देख लो और बंद कर दो वापस, है ना। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं फिर देखो आप। हाँ, जहां आप समझते हैं कि भाई अभी हाँ जरूरी है, मेरा कोई कारोबार है, ठीक है, साधन है, यूज करें, लेकिन अधीनता ना हो। भावार्थ ये है मेरा, साधन है यूज करो, लेकिन अगर वो साधन नहीं है तो अधीनता भी ना हो, जो आंतरिक स्थिति हमारी परेशान वाली हो जाए, और परेशानी के कारण जो है हम कुछ, हमें कुछ सूझे ही नहीं, बाबा याद नहीं आए, कहीं बाबा से हम दूर चले जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बुद्धि योग बाबा के तरफ लगाने के बजाय मेरा बुद्धि योग बार बार उसके तरफ जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है।
यह भी एक प्रकार का परचिंतन है जो हमारी स्थिति को नीचे गिराता है।